रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। उर्दू में वॉल्यूम को हुजम या मकदार या जसामत कहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज एंड कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ अ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड व्हेन इट इज़ फुल। तो अब हम देखते हैं कि जैसे वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या फ़र्क है। जैसे ये 2 2 लीटर्स की बॉटल्स हैं, तो इनके अंदर जो है ना वो 2 लीटर जो है ना लिक्विड या माया आ सकती है, ये इनकी कैपेसिटी है। या जैसे ये सिलेंडर्स हैं, तो इनमें जो है हर एक की कैपेसिटी फ़र्क है, यानी वो ज़्यादा माया घेर सकता है, लेकिन सब ने इस वक्त एक ही जैसा वॉल्यूम, एक जैसी मकदार इनमें मौजूद है। तो जैसे वॉल्यूम जो है वो किसी माया का एक बर्तन में होना, हुजम या उसकी मकदार, और कैपेसिटी जो है उसमें कितना पूरा फुल हो सकता है। जैसे अब हम देखते हैं, लुक एट द जग, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इस जग में देखें कितने ग्लास पानी आ सकता है। इस जग में हम 3 ग्लास पानी डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप देखें कि ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, तो देखें किस में कम है जग से पानी आ सकता है। यहाँ पे वीडियो को रोकें और खुद से अपनी कॉपी पे उस चीज़ के गिर्द दायरा लगाएं जिसमें पानी जग से कम आएगा। तो ये कप बहुत छोटा है, इसमें जग से थोड़ा पानी आएगा। अब फिर दोबारा से ये 3 चीज़ें हैं, बाल्टी, जग और पॉट, एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट विल होल्ड द मोस्ट वाटर। तो अब आप यहाँ पे वीडियो रोकें और उस चीज़ के गिर दायरा लगाएं जिसमें पानी ज़्यादा आ सकता है जग से। तो आप देखेंगे कि ये बाल्टी या बकेट है जिसमें पानी जग से भी ज़्यादा आ सकता है। सना वॉन्ट्स टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर दैट दिस पॉट कैन होल्ड। ये एक देखती है तो सारा जानना चाहती है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो अब हम इसको मेजर करके देखते हैं, माप के देखते हैं। द पॉट कैन होल्ड 2 जग्स ऑफ वाटर। तो 2 जग पानी जो है वो हम इस पॉट में डालेंगे। तो 1 जग में 1 लीटर पानी है, तो इसका मतलब है 2 लीटर पानी इस पॉट में आ जाता है। तो लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू मेजर कैपेसिटी, वी कैन राइट इट एज L, कैपिटल L। और मिलीमीटर्स इज आल्सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू मेजर कैपेसिटी, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। लुक एट दिस जग, दिस हैज 200 ml ऑफ वाटर। आप देखें इस जग में 200 ml पानी है। अब आप देखें कि मेजरिंग जग है, इनमें मार्क तक कितने मिलीलीटर पानी है। यहाँ पे वीडियो रोकें और अपनी बुक में से या इस वीडियो में से देख के इनका आंसर नीचे लिखें, फिर आगे चलें। तो पहले जग में 600 ml पानी है, दूसरे में 500 और तीसरे में 900। तो अब देखते हैं, हम एक क्वेश्चन है, देयर आर 400 लीटर ऑफ वाटर इन अ टैंक, देयर आर 80 लीटर ऑफ वाटर इन अ पॉट। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, हम इसको 400 प्लस 80 करेंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो रोक के खुद पहले इसको ऐड करें और फिर इसका जवाब चेक करें। तो अगर हम 400 में 80 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 480 लीटर्स ऑफ वाटर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देयर आर 20 लीटर ऑफ वाटर इन अ बॉटल, 20 लीटर एक बोतल में पानी है। हसन ड्रिंक्स 3 लीटर ऑफ वाटर, हसन उसमें से 3 लीटर पानी पी लेता है, तो बाकी कितने लीटर बच जाएंगे। तो हम 20 में से माइनस 3 करेंगे। यहाँ पे आप वीडियो रोकें और 20 में से माइनस 3 करें और फिर इसका आगे जवाब देखें। शाबाश, तो अब हमने 20 से बैकवर्ड 3 काउंट किए तो हमारे पास 17 आ गया, तो इसका जवाब है 17 लीटर। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ गिनती और हिसाब मत सीखें, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको इससे अहम चीज़ें भी सिखाएं, यानी ईमानदारी, नरमी, रहम दिली, मेहनत करना, कोशिश, हौसला, दयानत और शजाअत। ये चीज़ें किरदार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि जब आप स्कूल से बाहर निकलें तो आप एक अच्छे शहरी बन जाएं। एक अच्छे शहरी की खूबियाँ होती हैं कि वो कानून की पाबंदी करता है, वो ईमानदार होता है, वो कचरा नहीं फेंकता, वो दूसरे की बात सुनने वाला होता है, वो बाहमी तावन से चलता है, वो एहतराम करता है, पेरेंट्स का, सातसा का जिम्मेदार होता है, मिलजुल कर काम करता है और अपनी बारी का इंतज़ार करता है। और हमें भी जो टीचर्स हैं उनको देखना चाहिए कि हम ऐसा तो नहीं हमारे साथ कि हम काम तो थोड़ा करना चाहते हैं लेकिन तनख्वाह तगड़ी लेना चाहते हैं।
और हम स्कूल में या अपनी वर्क प्लेस पे आके बातों में वक्त जाया करते हैं, मोबाइल फोन पे गप्पे लगाते हैं या आपस में गप्पे लगाते हैं या फिर कोई और वक्त गुजारी के लिए क्लास में मौजूद तो होते हैं लेकिन दयानतदारी से बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे अंदर ये आदत पाई जाती है तो फिर हमें ऑनेस्टी का सिरप पीना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखें अल्लाह ताला का एक बड़ा कैमरा हम सबको तस्वीरें हर वक्त खींच रहा है जो क़यामत वाले दिन हमारे सामने लाई जाएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।